हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमारे सामने खड़ी है बजाज पल्सर 180 बाइक। तो इसका रिव्यू करेंगे, उसमें 2022 में क्या क्या बदलाव हुआ इस बाइक में, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये सामने का व्यू है इस प्रकार से। ये 180 बाइक है, यानी कि जो पहले 220 जैसा लुक आता था आगे, वो चेंज कर दिया गया। अब ऐसा मॉडल कर दिया गया है सामने का व्यू इस प्रकार से, जो 150 125 सीसी बाइक आती है वैसे ही कर दिया है सामने का लुक, और 220 जैसा लुक आता था वो बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, और ये आगे का व्यू है, ये वाइजर दिया गया है, काफ़ी शाइनिंग के साथ वाइजर है। यहाँ पर बजाज की लोगो दी गई है, और यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ पार्किंग लैंप दिए गए हैं, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं। इसमें एलईडी बल्ब नहीं मिलता है देखने को, और यहाँ पर भी हेडलैम्प में भी हैलोजन बल्ब दिया गया है, और ये दिए गए इंडिकेटर, काफ़ी शॉप के इंडिकेटर आते हैं इस प्रकार से। और ये दिया गया है मड घाट पर रेड कलर के स्टिकर दिए गए हैं कार से। और आगे की सस्पेंशन की बात करें तो 30 mm का सस्पेंशन आता है, काफ़ी मोटा सस्पेंशन है इस प्रकार से। और इसकी आगे की ब्रेक साइज की बात करें तो 280 mm का सिंगल चैनल ABS दिया गया है आगे, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और ये व्हील्स अलाउ व्हील्स हैं, अलाउ व्हील्स पर रेड कलर की स्टिकर दिए गए हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और टायर साइज की बात करें तो 90x90 17 inch का ट्यूबलेस टायर दिया गया है इस प्रकार से, ट्यूबलेस टायर मिलता है इसमें। रेडियल टायर का ऑप्शन नहीं रहता है दोस्तों, बड़ी बाइकें हैं ये, इनमें रेडियल टायर का ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर दिया गया है, और यहाँ पर भी रेडियम, और यहाँ पर से डबल हॉर्न दिए गए, एक ये और एक ये डबल हॉर्न मिलते हैं। और नीचे इंजन काउबिल इस प्रकार से, यहाँ तक रेड स्टिकर के साथ, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और काफ़ी शाइनिंग के साथ इंजन मिलता है इसका, बजाज DTSI की बैजिंग दी गई है इंजन पर। और यहाँ पर ये गियर दिए गए हैं, 5-speed गियर बॉक्स मिलते हैं इसमें। और यहाँ पर साइड स्टैंड और मैन स्टैंड दोनों स्टैंड प्रोवाइड की गई हैं, और साथ में यहाँ बगल में कार्बन फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है, और ये दिया गया फुट रेस्ट पीछे के पिलियन के लिए। और यहाँ नाइट्रो शॉक के पीछे सस्पेंशन दिए गए हैं। अब बात करें इसकी चैन की, तो काफ़ी मोटी चैन है इस प्रकार से, खुली चैन आती है। स्पोर्ट्स बाइक हैं, इनकी खुली ही चैन आती है। आपको 2-4-500 किलोमीटर चला कर इसे क्लीन करना होगा, क्लीन करना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि धूल मिट्टी जाती है, तो इस प्रकार से आपको क्लीन करना होगा चैन को। और यहाँ पर लैडर एक्सेसरीज नहीं जुड़ी हुई है, यहाँ पर 180 की बैजिंग मिल जाती है, और साथ में स्टिकर भी दिया गया है रेड कलर का। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, तो ये पीछे का व्यू है, पीछे कोई चेंजिंग नहीं हुई है, पीछे वही सेम पुराना व्यू लुक जो पहले आता था वही लुक है। और ये दी गई टेन लाइट में LED बल्ब दिए गए हैं, जो कि पल्सर में LED बल्ब ही आते हैं पीछे टेन लाइट में। और यहाँ पर इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब थे, यहाँ पर नंबर प्लेट ऑप्शन मिल जाता है। और टायर की साइज की बात करें तो पीछे की, तो टायर साइज बता दें आपको, ₹120x80 17 inch का ट्यूबलेस टायर पीछे दिया गया है। ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छा टायर है, देख सकते हैं काफ़ी मोटे साइज में टायर आता है। ऑफ रोडिंग भी आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और ये दिया गया है पीछे का डिस्क, और यहाँ पर भी 180 की बैजिंग मिल जाती है। ये ग्रेविल दिए गए हैं, जो कि 220 में आते हैं, सेम ग्रेविल वैसे ही। और ये सीट, स्प्लिट सीट, प्लेन सीट नहीं आती है इसमें, और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, काफ़ी अच्छी सीट है। और इस साइड भी कार्बन फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और ये दिया गया अपना एक्सिस्ट साउंड, और ये मफलर जो कि सिल्वर कलर में है इस प्रकार से, काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है देखने में। और ये अपना ब्रेक पैडल
प्रकार से इस तरफ भी बजाज डी टी एस आई की बैजिंग मिल जाती है। जो अब बात करें इसके पिलक की, तो इसमें बजाज में डबल पिलक आते हैं पल्सर में, यानी कि एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो मैं आपको उस तरफ का भी पिलक दिखा दूँ, तो इस तरफ भी एक प्लग दिया गया है। जैसे कि एक प्लग ख़राब हो जाता है तो आप एक प्लग से भी चला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑफर रहता है बजाज की बाइकों में। अब मैं आपको इसका फ्यूल टैंक दिखाता हूँ। तो ये फ्यूल टैंक है, काफ़ी प्रीमियम लुक है फ्यूल टैंक का, और काफ़ी अच्छा कलर है। और यहाँ पर पल्सर की बैजिंग मिल जाती है 3D में, स्टिकर में नहीं मिलती है, और दूसरी बाइकों में स्टिकर में लिखी हुई मिलती है, लेकिन इसमें 3D में दी गई है। और साथ में रेड कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन भी किया गया है, जिससे बाइक और भी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर फ्यूल टैंक पैड दिए गए हैं, सेफ्टी पैड, ताकि फ्यूल टैंक पर स्केच वगैरह ना आए। और इस तरफ भी पल्सर की बैजिंग दी गई है 3D में इस प्रकार से। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर की दी गई है। और इसके माइलेज की बात करें तो आपको 40 से 50 के बीच में माइलेज देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। और बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की राइडिंग के आदी हैं, तो उस प्रकार से भी अपना माइलेज निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके मीटर वार के बारे में बात करते हैं। जो मीटर वार है दोस्तों, इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, लेकिन ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह का ऑफर नहीं आया अभी तक बजाज में इस प्रकार से। और ये हैंडल वार है, हैंडल वार पर कुछ स्विच दिए गए हैं, 5 स्विच, अप डाउन लाइट स्विच, इंडिकेटर स्विच, नीचे हॉर्न स्विच। और इस तरफ के हैंडल वार पर भी कुछ स्विच दिए गए हैं, जैसे कि इंजन कट ऑफ स्विच, जो नीचे सेल्फ स्विच। तो दोस्तों इस बाइक में ओनली सेल्फ ऑप्शन मिलता है, कक ऑप्शन नहीं मिलता है। पहले यहाँ पर रहता था लेकिन अब हटा दिया गया है, ओनली सेल्फ ऑप्शन मिलता है। दोस्तों अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात करें इस बाइक के, तो एक्सोरूम प्राइस है 1,19,725 रुपये, और ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 1,44,000 रुपये की मिल जाएगी। जो प्राइस मैंने बताई है इट्टेकर या बजाज शोरूम छतरपुर मध्य प्रदेश की बताई है। दोस्तों हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस रहती है, 2,000-5,000 रुपये का इसमें ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। वो सिटी पर और आरटीओ ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, कहीं पर टैक्स कम लगता है, कहीं पर ज़्यादा, तो इस प्रकार से 2,000-5,000 रुपये का फ़र्क मिल जाता है दोस्तों इसमें देखने को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय। दोस्तों ड्राइव करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।